हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक टिश्यू की। तो लिम्फेटिक टिश्यू जो है, इट फाउंड इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में ये मिलती है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लिम्फोसाइट्स। इसमें जो है बहुत सारे लिम्फोसाइट्स रहेंगे और साथ में कुछ अदर सेल्स होती है। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन थ्रू जो है लिम्फोइड या लिम्फेटिक ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, थ्रू ब्लड रिचेस अप टू लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जाने के बाद ये वहाँ पर डिवाइड होते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं जब इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं तब। तो दिस लिम्फोसाइट्स डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर व्हेन बॉडी एक्सपोज टू पैथोजेंस। उस टाइम पे ये अपने काउंट को बढ़ा लेते हैं। अब एक्चुअली में लिम्फेटिक टिश्यू को अगर हम देखना चाहें तो इट हैज़ वेरी फाइन रेटिकुलर फाइबर्स, है ना। इसमें जो है बहुत फाइन रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। अब रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं कि वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। दीज फाइबर्स फॉर्म एन इंटरलेस्ड नेटवर्क, और ये नेटवर्क मतलब एक जाल जैसा बन जाता है, दैट होल्ड्स द लिम्फोसाइट। इसी जाल में जो है ये जो लिम्फोसाइट यहाँ से ब्लड लिम्फेटिक ऑर्गन्स तक आए हैं, ये यहाँ पर होल्ड किए जाएंगे इस नेटवर्क में। ठीक है, और साथ में जो अदर सेल्स आई है वो भी वो वहाँ पर होल्ड करेंगे। ठीक है, अब जब व्हेन लिम्फ और ब्लड फिल्टर थ्रू लिम्फेटिक ऑर्गन, अब जब लिम्फ और ब्लड जो है ये लिम्फेटिक ऑर्गन थ्रू फिल्टर होता है, वेन लिम्फ और ब्लड फिल्टर्स थ्रू लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जब वो फिल्टर होता है तो तब क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वो उस नेटवर्क में ट्रैप कर ले जाते हैं, है ना। तो द फाइबर्स नेटवर्क ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो वहाँ पर ट्रैप कर लिए जाएंगे। अदर आइटम्स इन द फ्लूड। इस टाइप से आपका ये लिम्फेटिक टिश्यू का इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। थैंक यू।